हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जेनेटिक कोड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जेनेटिक कोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की डेफिनेशन की। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या होगी? तो जेनेटिक कोड की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जो जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ थ्री नाइट्रोजन बेसिस विच इज कोड ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक कोड जो होंगे ना, वो सेट ऑफ थ्री नाइट्रोजन बेसिस विच इज कोड ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान ये जो सेट ऑफ थ्री नाइट्रोजन बेसिस जो होंगे ना, वो कोड करेंगे इस स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान। ये तो थी जेनेटिक कोड की डेफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो अमीनो एसिड जो होते हैं ना, वो मतलब सिचुएटेड होते हैं एमआरएनए के वन स्ट्रैंड के ऊपर। सो जेनेटिक कोड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन बेसिस लैंग्वेज इनटू अमीनो एसिड। यहाँ तक बात समझ में। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की डिस्कवरी के बारे में कि कौन किसने डिस्कवरी की, कब की। तो 1961 के अंदर नेरन बर्ग और मैथ्यू के द्वारा सबसे पहले यू 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 की डिस्कवरी की गई। जो कि ये यू 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 जो जेनेटिक कोड जो होगा ना, वो कोड करता है फिनाइल एनालिन के लिए कोड करता है यू यू जेनेटिक कोड। यहाँ तक बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक। तो उससे कैरेक्टरिस्टिक की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसको पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे यूरेसिल लिखा है। अब यहाँ पे यूरेसिल क्यों लिखा है, मैंने थायमिन क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूरेसिल मैंने इसलिए लिखा है कि जेनेटिक कोड जो होंगे ना, वो काम आते हैं अपने ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान। और यहाँ पे क्या है, डीएनए से एमआरएनए तो बन चुका है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुका है। अब ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन के अंदर एमआरएनए से प्रोटीन बनानी है अपने को। तो एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए। तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस जो प्रेजेंट होगा ना, वो थायमिन जिसका यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे यूरेसिल लिया है, थायमिन नहीं लिया है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जेनेटिक कोड की। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपलेट नेचर। ये जो 64 कोडोन जेनेटिक कोडोन जो होंगे ना, ये क्या होते हैं, मतलब एक ट्रिपलेट मैनर के अंदर, ट्रिपलेट नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी 64 कोडोन जो होंगे ना यहाँ पे, तो ट्रिपलेट नेचर के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे। इसलिए ये ट्रिपलेट नेचर और ट्रिपलेट मैनर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये जेनेटिक कोड। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई ट्रिपलेट नेचर की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अपन। ये जो 64 कोडोन जो होंगे ना, ये क्या हो गए, इनके बीच के अंदर किसी भी प्रकार का कोमा प्रेजेंट नहीं है। देख लो आप, जितने भी कोडोन है ना, इनके बीच में किसी प्रकार का कोमा नहीं है। तो जितने भी ये 64 कोडोन जो होते हैं ना, इनके बीच में किसी प्रकार का कोमा प्रेजेंट नहीं होगा और कोमा लेस होते हैं ये। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, थड़ी की लेते हैं, थड़ी के अंदर लेते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। अभी जितने भी जो जेनेटिक कोड जो होंगे ना, ये क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉन ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं यहाँ पे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जितने भी जेनेटिक कोड जो होंगे ना, वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल। अब यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ यहाँ पे, यूनिवर्सल का मतलब क्या है यहाँ पे। तो ये क्या है कि जो यू 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 जो होगा ना, वो कोड करता है फिनाइल एनालिन के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरी वे के अंदर हम बात करते हैं यानी यू यू ए, यू ए जी, यू जी ए। तो ये क्या करते हैं, दीज आर द नॉन सेंस कोडोन एंड दीज आर आल्सो नोन एज टर्मिनेशन कोडोन। तो इनको नॉन सेंस कोडोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो नॉन सेंस कोडोन जो होंगे ना, ये क्या करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इसलिए इनको अपन नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं। और टर्मिनेशन कोडोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस जो होगी ना, उसको टर्न ऑफ करने का वर्क करते हैं, स्टॉप करने का वर्क करते हैं, इसलिए अपन इनको टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते ह्यूमन बींग के अंदर। अब मैं इसका एक्सेप्शन बताऊंगी आपको। अब ये एक्सेप्शन क्या है कि ये जो यूएजी होगा ना, यूएजी, तो ये क्या करता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है। यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया ना ये, मतलब ये माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या करता है, ये ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है। और ये जो दोनों कोडन होते हैं ना, यू ए ए और यू जी ए, तो ये क्या करते हैं, ये
ग्लूटामेम की भी कोड करते हैं, एक ये टेट्रामायोसोमा। टेट्रामायोसोमा क्या है, यहाँ पे किसी टाइप ऑफ एल्गी। तो इस एल्गी के अंदर क्या करते हैं, ये दोनों कोडोन जो होंगे ना ये ग्लूटामेम के लिए कोड करते हैं। यहाँ तक पास आज के इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लेते हैं एम्बिग्युइटी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जनरली जो एक जेनेटिक कोड जो होगा ना वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, पर कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि एक जो जेनेटिक कोड जो होगा ना मोर देन वन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे यू 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 होगा ना, ये कोड करता है फिनाइल एनालिल के लिए। पर कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे जो यू ए होगा ना तो ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट इज ए टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक की प्रेजेंस के अंदर क्या करता है, ये मोर देन वन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ये कोड करता है ल्यूसीन के लिए, आइसोल्यूसीन के लिए और सेलिन के लिए, मतलब ये तीनों के लिए कोड करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्रेजेंस के अंदर। तो पांचवी कैरेक्टरिस्टिक अपनी यही थी एम्बिगुइटी। छठी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं तो डी जेनेरिक। अब यहाँ पे मतलब डी जेनेरिक का मतलब क्या होता है, मतलब कभी कभार क्या होता है कि जब एक अमाइनो एसिड मोर देन वन जेनेटिक कोड के लिए कोड करता है तो उसे अपन बोलते हैं डी जेनेरिक। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ल्यूसीन की हम बात करते हैं, ल्यूसीन तो ल्यूसीन क्या करेगा, ल्यूसीन यू यू जी के लिए भी कोड करेगा, सी यू यू के लिए भी कोड करेगा, सी यू सी के लिए भी कोड करेगा, सी यू ए के लिए भी कोड करेगा, सी यू जी के लिए भी कोड करेगा और यू ए ए, इसके इतने सारे कोडोन के लिए कोड करता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक अमाइनो एसिड मोर देन वन जेनेटिक कोड के लिए कोड करता है तो उसे अपन डी जेनेटिक बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये इतने सारे कोडोन के लिए कोड करता है, यहाँ तक बात समझ में आई। और अब बात करते हैं इनिशिएशन कोडॉन की, कि जो शुरुआत जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी ना वो किसके द्वारा शुरू करते हैं, कौन सा जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, तो अपन बात करते हैं एयूजी की। जो एयूजी होगा ना यहाँ पे ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी ना उसको स्टार्ट करने का वर्क करता है एयूजी जेनेटिक कोड। और जो ये तीनों कोडॉन जो होंगे ना उनको अपन नॉनसेंस कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं। नॉनसेंस तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, और टर्मिनेशन कोडन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो जनरल वो अपने ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस जो होगी ना उसको टर्मिनेट करने का वर्क करता है, स्टॉप करने का वर्क करता है, टर्न ऑफ करने का वर्क करता है। यहाँ तक बात समझ में। तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक जेनेटिक कोड के बारे में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद आपका।